माइल्स। एक थैंक यू अमित भैया को भी काउंटिंग माइल्स से। भैया आपने मेरी स्टोरी डाली, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जितनी खुशी मिली मुझे। एक्चुअली ये खुशी का जो लेवल है ना, ये भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खुशी सडनली हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन भी मिलके, और मैं फिर कभी फ्यूचर में मिलना हो तो ज़रूर मिलूँगा। आरके कुमो त्रिपुरा अमी तुम्हाके अनेक भालोबाशी। त्रिपुरा त्रिपुरा आमी आमी तुम्हाके तुम्हाके अनेक 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 भालोबाशी भालोबाशी एंड आई लव एवरी सिटीजन ऑफ त्रिपुरा। हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे त्रिपुरा में। ना 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 एक्चुअली टूटी फूटी बेंगोली होना चाहिए, तो टूटी फूटी हिंदी एंड बंगाली मैच करके मिक्स करके बनाएंगे ना। मिक्स वेज नहीं, मिक्स लैंग्वेज। हाँ मिक्स लैंग्वेज नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हैं हमें। तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज है डे 70 और अभी हम जगे हुए हैं, और जगे हुए से मतलब हम पूरी रात सोए नहीं है, और हमने सिर्फ पूरी रात बोन फायर ऐसे जला के और मस्त मतलब जो है मस्ती की है पूरी पूरी, और मैगी एंड चाय, और अभी फिर हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। यही सब चलता रहा है पूरी रात। तो भैया जी और एक भैया जी और दो भैया लोग थे, वो लोग चले गए फिलहाल। तो हमारी पूरी रात में जो है ना ऐसा पार्टी वार्टी होती रही है, और दिन में जो हम रात भर जग के हम लोगों ने जो मस्ती की है उसका पूरा एक हिसाब किताब दिन में सो के पूरा करेंगे। बैलेंस बना के रखना है। तो फिलहाल बस यही सब चल रहा था आज पूरी, मतलब पूरी रात में जो मज़ा आया है एक दूसरे से बातें करते हुए, और पूरी रात धीरे धीरे करके कट गई, पता ही नहीं चला कब। और बहुत मस्ती हुई आज पूरी रात में, हम चाय और मैगी और अभी फिलहाल जा रहे हैं कॉफ़ी बनाने। तो ये सब होता रहा, पूरा एक अलग तरह का जो है माहौल रहा है। तो बहुत मज़ा आया एंड स्पेशली भैया आपको थैंक यू, आप आए बात किए एंड वो सब कुछ बाद में जो है ना आपसे बात होता रहा। हाँ मेरा तो क्या है, सब कुछ अरेंज तो किया नहीं गया था, बस अपने आप होता रहा। एंड हाँ वही तो, कुछ एक आइडिया ही नहीं था कि ये सब ऐसा हो जाएगा। एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और बनता गया, बस वही चीज। एंड ये हमारे कैमरे वाले भैया नहीं, ये हमारे कैमरे वाले भैया, हमारे कैमरे वाले भैया है। एंड पूरी रात भैया लोगों ने जो है कंपनी दी, बहुत मजा आया। और आगे दिखाएंगे हाँ, कि ये हमारे कैमरे भैया हैं। हाँ वो तो आज हमारे लिए भैया को शूट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा क्यों कैमरे वाले भैया एंड ये भैया का इक्विपमेंट है, ये नहीं होता तो शायद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता इतने अच्छे से, क्योंकि ये है तभी लाइटिंग है। और फिलहाल तो ये देख के मज़ा आ जा रहा है एकदम, मतलब क्या ही बताएं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सपना था वो पूरा हो रहा है कि हम ऐसे बैठेंगे, हमारा कैंप रात भर कैंपिंग करेंगे, सिर्फ कैंप खड़ा होगा और फिर पड़ा है उसमें कोई सोने वाला नहीं है, वो ऐसे ही वैसे ही रह गया पूरी रात। एंड अपनी धन्नो उधर खड़ी है साइड में, कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो ऐसे ही सेफ रही है। हम लोगों ने उसके लिए जग के यहाँ रखवा ली है पूरी रात। तो कोहरे से भीग चुकी है बेचारे। हाँ कोहरा तो बहुत है, कोहरा तो इवन इतना है, मैं अभी दिखाता हूँ पास जाके, एक मिनट। कोहरा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कंडीशन है कोहरे की, आपको बूंदे दिख रही होंगी पानी की एकदम। ओ भैया कितना प्यारा लग रहा है ये, एकदम वो मोतियाँ होती है ना, एकदम वैसा ही लुक आ रहा है कि किसी ने मोती जो है चिपका दिया इसके ऊपर। और धन्नो भी अपनी ऐसे ही खड़ी है। तो ये हमारा कैंपिंग स्पॉट था, इधर धन्नो है, इधर अपना टेंट है, और यहाँ हम लोगों ने जो है रात भर मस्ती की है, पार्टी वार्टी अपनी चलती रही है पूरी रात। एंड ये हमारा क्या, ये मैगी का है ना फिलहाल, तो मैगी वाला बर्तन है, और चाय भी इसी में बनी थी वैसे।
तो यही सब है आज की शुरुआत हमारी, मतलब शुरुआत और कल का अंत भी यही हुआ है, रात भर हम सोए नहीं है, तो फिलहाल बस यही है। एंड आज दिन का व्लॉग ऐसा होगा कि हम दिन भर में अपनी नींद जो है पूरी करेंगे, क्योंकि हमें घूमने भी जाना है और बहुत कुछ प्लान करके रखा है हमने, तो वो दिन में ही पता चलेगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए बस इतना ही है, तो दिन में मिलते हैं। बात करते करते सुबह हो गई है, इधर कहीं से सनराइज होगा, इधर से ही होगा ना, इधर कहीं से सनराइज होगा। एंड हम लोग ऐसे पूरी रात बात करते 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 हमने पूरी रात बिता दी, और आग भी जल रही है, हम लोग वैसे के वैसे ही बैठे रह गए। एंड टेंट भी अपना लगा ही रह गया, कोई यूज नहीं रहा है, तो ऐसे ही मतलब एकदम गजब वाला एक्सपीरियंस रहा है पूरी रात का। मैंने सोचा आप लोगों को प्रॉपर लाइटिंग में दिखाता हूँ, मैंने क्या सोचा, भैया ने सोचा, जेन्युइन आइडिया उनका था कि आपको प्रॉपरली दिखा देना चाहिए कि लाइटिंग अच्छी है तो आप दिखा सकते हैं कि कैसे जो है पूरी रात अपनी बीती है कहाँ बैठ के कैसे भी। रात को पावरफुल लाइट तो था, फिर भी अंधेरे में हाँ सही से नहीं दिख पाता। तो अभी फिलहाल हमारा यही था, यहीं बैठे थे पूरी रात मस्त अपना जो है बात करते करते गाने सुनते सुनते जो है पूरी सुबह हो गई है, यही अपना सेटअप है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाथ हिला रहे कैमरे वाले भैया, कैमरे वाले भैया। एंड आपकी बारी है। मेरी मेरा तो कोई हाथ अंदर है। अच्छा, हाथ हिलाना है। ये लो भैया। हम कौन से वाले भैया? आप हाथ वाले भैया, पेट्रोल पंप वाले भैया, पेट्रोल पंप जुगाड़ करने वाले भैया। भैया का नाम है पेट्रोल पंप जुगाड़ करने। तो लेकिन भाई पेट्रोल पंप पे तो तुम रुके नहीं, तब उस नाम का फायदा कैंसिल कर देंगे। कैंपिंग साइट जुगाड़ करने वाले भैया, वो तो तुमने खुद ही से चूज की, वो भी नहीं बोल सकते तो क्या ही बोले। ये बोन फायर ऑन फायर अरेंज करने वाले भैया, आप तो यही लकड़ी जुगाड़ करने वाले भैया। लकड़ी इसने खुद जुगाड़ की, मैं जब तक आया उसने जुगाड़ करके रख लिया था। क्या ही बताएं, इनको जुगाड़ू रखना है लेकिन ना। मुझे खबर करने वाले भैया। हाँ भैया को खबर करने, मतलब कैमरे वाले भैया को बुलाने वाले भैया। हाँ, कैमरे वाले भैया का जुगाड़ करने वाले भैया है। और वो वहाँ पे खिड़की दिखाई दे रही होगी, शायद कैमरे में तो नहीं देख रही होगी। हाँ, उसी खिड़की ने ये जगह चूज की थी देखते हुए, वहाँ से वहाँ हम बैठे हुए थे कहीं पे, और वहाँ पे बैठे 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 डिस्कशन होने लगा कि जगह कहाँ अरेंज की जाए। भैया ने मेरे लिए बहुत सारी जगह ढूंढी, फिर मैं वहाँ बैठे बैठे मैंने ये लोकेशन देखा, मैंने कहा भैया क्या यहाँ हो सकता है? भैया ने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग जो है यहाँ पे आए एंड हमने यहाँ पे स्टे किया, बहुत बहुत मज़ा आया है। एंड अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम दिन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है अभी, तो अब इसको दिन में कंटिन्यू करते हैं। हाँ। अभी मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आज सुबह मैं एडिटिंग में ऐड करना भूल गया था, कल रात की क्लिप है, तो उसमें आप देखिए कैसे हमने मस्ती किया रात में कैंप वगैरह करके, एंड क्या मस्ती हुई पूरी, कैसे कैसे जो है सारी चीज़ें हुई, बहुत मज़ा आया। एंड वो मेन क्लिप था, मैंने उसको ऐड ही नहीं किया, मैं एकदम ऐड करना भूल गया था, तो अभी पहले वो देख लीजिए। एंड उसके बाद जो है मैं अभी, मेरी एक बहन की शादी हुई है एंड मैं इधर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा एटलीस्ट आप लोगों के साथ कुछ फोटोज शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ उनको विश करिएगा, उनकी शादी थी अभी कल, सॉरी परसों उनकी शादी थी, एंड मैं इधर हूँ जा नहीं पाया, तो आप लोग उनको थोड़ा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी। फिलहाल ये क्लिप देखिए आप लोग एंड उसके बाद फोटोज भी देखिए। और ये हमारा सेटअप है,
एंड ये हमारी मैगी है जो हम अभी बनाएंगे जी। क्या बना रहे हो, रील बना रहे हो, ब्लॉग? ना 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 ना, मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि लाइट आ गई है एंड इसकी बहुत जरूरत थी। ये हमारा मस्त बोन फायर स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर इसको जलाएंगे, इसमें अभी वो जान बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भैया से मैं मिला था आके सबसे पहले, एंड मैंने अभी तक आपको जो है मिलाया भी नहीं किसी से, तो ये विशाल भैया हैं। विशाल भैया पेट्रोल पंप ऑर्गेनाइज कराने वाले। पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप। मैंने मैंने पेट्रोल पंप में रहने का वो जुगाड़ किया था, तो इन्होंने मेरा नंबर सेव किया अपने फोन में कि विशाल भैया पेट्रोल पंप अरेंज करने वाले। एंड भैया वो कैमरे वाले भैया बिहाइंड द सीन पेट्रोल पंप अरेंज करने वाले, और प्लस कैमरे वाले भैया भी। मैं तो एकदम से चौंक गया था, भाई कहाँ, यहाँ कैसे? कैमरे वाले भैया लाइट है, लाइट भैया की वजह से पॉसिबल हुई है, तो थैंक यू। एंड भैया आप, आपको तो सबको बताना ही पड़ेगा, ये हमारे भाई हैं। ना मैं तो नहीं किया भैया, ने सब कुछ किया, ऐसे ही आके सब कुछ नहीं, मैंने भैया को बताया कैसे सेटअप करना है, एंड भैया को मैंने कहा कुछ भी आपने किया सब कुछ। और आप भैया, आपका नाम मैं फिर भूल गया, मैं सबसे लंबा नाम 70 नहीं जो आपने पारिजात 69। एंड भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और ये हमारा जो स्टे है ना, ये इतना स्पेशल बन गया है भैया लोगों की वजह से। एंड वो हमारा कैंप उधर है और धन्नो वहाँ खड़ी है, और ये भैया जी की धन्नो है, मतलब अभी मैं यहाँ मिला देता हूँ। ये अभी यहाँ नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा से निकल के लद्दाख के लिए साइकिलिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एंड अपकमिंग 2 या 3 मंथ्स के अंदर जो है ये स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अभी से आप लोगों को मिला दे रहा हूँ इनसे। ये फिलहाल जो है अपकमिंग हीरो है यहाँ के। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, मेरा गुरुजी जब बोलेगा तब मैं निकलूंगा। नहीं नहीं, वही चीज कह रहा हूँ कि अभी अब आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। एंड फिलहाल आज हमारा स्टे ऐसा है, हमारा कैंप उधर सेट है, धन्नो खड़ी है, यहाँ बोन फायर हो रहा है, एंड यहाँ अपना पूरा स्टफ है। अभी हम मैगी बनाएंगे एंड खाएंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आ रहा है बात करके। और मैं एक्चुअली खुद को भी दिखा दूँ, यहाँ ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है भैया की लाइट की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ एक आध लाइट मैं भी ऐसे कैरी करूँ रात के लिए, बहुत बढ़िया है ये, बहुत पावरफुल है। इसको भी दिखाते हैं, चलो जिसने लाइट पकड़ा। अरे ये तो, हाँ ये तो बिहाइंड द सीन हो जाए। इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा सबसे इंटरेस्टिंग है, इनको मिलाइए सबसे। लादेन ओसामा बिन लादेन, वही है भाई साहब। हम लोग ने आया, मिल के अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। कैमरा कैमरा मुझे दो, बहुत बहुत मतलब। तो ये हमारे हम बन जा रहे भाई है। मिलते हुए ओसामा बिन लादेन से। भाई साहब ये भी सुपरस्टार है भाई नेम, बाकी इनके काम अच्छे हैं, तो सब कुछ अरेंज करता है। इवन कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रहा था, भैया ने लाइट पकड़ी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ मैं भैया की वजह से दिखा पाया हूँ, तो स्पेशल थैंक यू आपको। कैमरे के सामने जो है आप नहीं आ पाए, लेकिन कैमरे के पीछे जो रहता है ना, मेन काम उसका होता है। तो आज अभी जो है मैं व्लॉग इधर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भैया लोगों के साथ बातचीत करूँगा, मस्त मैगी वैगी अभी बना के खाएंगे। एक थैंक यू अमित भैया को भी काउंटिंग माइल्स से, भैया आपने मेरी स्टोरी डाली, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जितनी खुशी मिली मुझे। एक्चुअली ये खुशी का जो लेवल है ना, ये भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी खुशी सडनली हो जाएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन भी मिलके, और मैं फिर कभी फ्यूचर में मिलना हो तो ज़रूर मिलूँगा। तो लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।
अभी मैं रुका हुआ हूँ जो अपकमिंग साइक्लिस्ट है भैया नॉर्थ ईस्ट के उनके घर पे, एंड ये कॉफी पी रहा हूँ। और अभी नहीं रुका हूँ, मतलब मैं यहाँ रुका हूँ करीब 8-9 बजे से, 8-9 बजे से यही हूँ, सो रहा था। फिलहाल कॉफी पी रहा हूँ और ये खा रहा हूँ मैं। ये इसको क्या बोलते हैं, खोई। इसमें हाँ, इसमें क्या है, वो लहिया है एंड कुछ मीठा सा है। हाँ, कुछ मीठा है, एक्चुअली हनी है। हनी? ओह, हनी सॉरी सॉरी हनी नहीं है, ये शक्कर है और चाल से बनाया गया है, चाल वाइट राइस से बनाया गया है। तो फिलहाल कॉफी है एंड ये खोई है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये मीठा सा लग रहा है और बहुत, मैं तो खा रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। फिलहाल मैं फिर सोऊंगा खा पी के। अभी मैं भैया के घर पे एंड आंटी जी, खाना बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया, मतलब बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाय, मैं जो है, मैंने बताया था ना ये फ्यूचर साइक्लिस्ट फ्रॉम त्रिपुरा, तो अभी इनके घर पे हूँ एंड ये हमारा खाना है, मज़ा आ गया, बहुत वाकई में बहुत टेस्टी है, मस्त है। अभी जो है हम आ गए हैं एक बौद्ध मोनेस्ट्री पे एंड इधर आने के बाद मैं कैमरा नहीं निकाल रहा था, मैं आया और कम से कम 10-15 मिनट से इधर घूम रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत शांत है, तो मैं बार बार बोल के और इस माहौल में थोड़ा भी ऐसा जो है आवाज़ वगैरह नहीं डाला जाता था, बट अगर नहीं बोलूँगा तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूँगा, ये भी था। तो मैंने सोचा एटलीस्ट आप लोगों को दिखा दूँ, बता दूँ कि मैं अभी कहाँ आया हूँ एंड ये जो व्यू आ रहा है ना इधर से, ये मतलब मैं देख के क्या ही बोलूँ, कितना सुंदर लग रहा है, सुकून बहुत है। तो अभी हम यहाँ बैठेंगे 10-15-20 मिनट एंड उसके बाद इधर से वापस जाएंगे। और मैं आज बहुत देर तक सोता रह गया, करीब करीब 2 बजे तक सोता रह गया और यही सब था। एंड सुबह तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि आप लोगों ने देखा ही कि मैंने वीडियो में अपना एक क्लिप छोड़ दिया था, एडिट नहीं कर पाया था मैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिप था, तो वो मैंने आज की वीडियो में ऐड किया है। तो यही सब है कि बहुत नींद थी और उसमें सब डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ यही चाहता था कि वीडियो एडिट करूं एंड कैसे क्या एडिट हो रहा है, मुझे इतना होश नहीं, होशो हवास जो एकदम खो बैठा था मैं, इतनी नींद आ रही थी, तो उसके चक्कर में वीडियो प्रॉपरली एडिट नहीं कर पाया था, तो उसके लिए सॉरी। एंड वो वीडियो मैंने आज की वीडियो में डाल दी थी और फिलहाल मैं बस यहाँ बैठ के ये नज़ारों का जो है ना आनंद लेना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा है, रीज़न ये कि मैं शोर नहीं मचाना चाहता हूँ, बहुत सुकून है एंड इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है एंड आगे जो भी होगा अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मैंने आप लोगों को आज तक दिखाया नहीं कि मेरे पास 2 पेट्स हैं और आप लोगों को मतलब भरोसा नहीं होगा कि मैं पेट्स वगैरह भी रखता हूँ, मिलाता हूँ मैं। ये झबरू, झबरू बहुत प्यारा है एक्चुअली, मैं इसको दूध रोटी खिलाता हूँ, मसल्स वगैरह देखिए काफ़ी अच्छे हैं, सेम मेरे जैसे एकदम मैच होता है, तो बहुत अच्छा है। इवन मैंने अभी खाना खिलाया है तो गुस्सा है लग रहा है, मुँह एक खुला हुआ है, कोई बात नहीं है, अभी नाराज़ है हमसे तो मतलब पैसे जमती है इसकी। एंड ये है गबरू, गबरू एंड गबरू दो लोग हैं, ये तो घास भी खा लेता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम हमारी तरह वेजिटेरियन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया है, नाराज़ ये भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं, आप डरना नहीं कैमरामैन भाई, डरने की जरूरत नहीं।
ये सब मेरे पेट में कुछ होगा नहीं। मसल देखो क्या मतलब, खिलाया मैंने इनको, जिम विम करवाता हूँ प्रॉपर। देसी जिम? हाँ देसी, बिल्कुल देसी। अखाड़े में जो है कुत्ते वगैरह लड़ते हैं, कुत्ते का सा। मैं जो है मैं सोचा दिखाई देता हूँ आप लोगों को कि मेरे दो पेट हैं, झगड़ू एंड गबरू। तो मिल के अच्छा लगा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। एंड अच्छा है, ओवरऑल मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस है। के बचा के भैया आराम से। मैंने कहा था ध्यान से, स्लिप होने लगता है ना, एकदम ढलान है। वो एक्चुअली बहुत आराम से, भैया का कैमरा इधर लगा हुआ है एंड मैं बोल रहा था संभल के एंड हाँ ऐसे सरक गए। ये तो कहिए टाइमली आपने पकड़ लिया, नहीं तो अभी नीचे से उठा के लाना पड़ता, जाना पड़ता भाई साहब चलिए उठ के ऊपर चलिए। आप कहते रुकिए, थोड़ा रुक के चलेंगे। फिसल गया था। हाँ बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है ना। हाँ, एक तो अभी कोहरा गिर रहा है हमको, भले दिख नहीं रहा है लेकिन गिर रहा है। तो ओवरऑल आपका अभी का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब मेरा पसीना छूट गया है यार। एक सेकंड, मैं बोला था ना मेरे को कुछ भी नहीं होगा उधर। और गिर गया भाई। कैसा लगा एकदम से जो है, डर कैसा लगा? मतलब डर महसूस हुआ कि एकदम से वक्त बदल गई, जज्बात बदल गए, बदल गए सब कुछ बदल गए। ओ भाई मारो मुझे, बदल के उधर भाई सच में मैं डर गया भाई। मैंने कहा था तो संभल के तो चलिए कोई नहीं, अच्छा हुआ कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो क्योंकि रात हो गई है, अभी निकलते हैं इधर से। सच में आप